हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीरीज के प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है। और आज हम साइंस सीरीज का सम करेंगे। साइंस सीरीज क्या होती है? दिस इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो साइंस सीरीज का जो एक्सपेंशन है उसको हम लोग किस तरह से करें, इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स यूजर दे रहा है वो फोर टर्म्स दे रहा है। और फोर टर्म्स अगर दे रहा है तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि जो पहला टर्म है उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। पहला टर्म फ्रीज करने का मतलब क्या है? इसको रीराइट कर रहे हैं सीरीज को, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। यही चार टर्म्स हैं जिसको हमें फाइंड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, आप किसी भी टर्म्स तक सम फाइंड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा टर्म्स तक आप टर्म्स फाइंड करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है। तो हमने क्या किया कि पहले टर्म को फ्रीज कर लिया, सम में हमने एक्स को स्टोर कर लिया। उसके बाद ये जो टर्म है इसको फाइंड करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली एक्टिविटी हम फिर से करेंगे। सो मान लेते हैं कि न्यूमरेटर एक्स का पावर है और जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टोरियल वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल वैल्यू एक एक करके नहीं बढ़ रही है, बल्कि पहले फैक्टोरियल 3 आ रहा है, देन फैक्टोरियल 5 आ रहा है, देन फैक्टोरियल 7 आ रहा है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक काम करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल है उसको हम 1 से इनिशलाइज कर देते हैं। मान लेते हैं कि इसका मीनिंग ये है कि ये 1 का फैक्टोरियल है। अब इसमें हम एक टर्म ना मल्टीप्लाई करके एक से ज्यादा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमें 1 से 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इसमें 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाए। और अगर हमने फैक्टोरियल 3 फाइंड कर लिया है तो उस केस में हमें फैक्टोरियल 5 अगर फाइंड करना हो तो इसमें हमें 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है। इसी तरह से अगर हमें फैक्टोरियल 6 फाइंड करना है, सॉरी फैक्टोरियल 7 अगर फाइंड करना है तो फैक्टोरियल 5 में हमें 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यही यहाँ पे लॉजिक हमें अप्लाई करना है। सिमिलरली न्यूमरेटर को अगर हम एक्स इनिशलाइज कर दें तो हर बार हमें न्यूमरेटर में 2x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर एक्स में पहले से न्यूमरेटर में पहले से एक्स है और इसमें 2 बार एक्स मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। इसमें 2 बार और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 5 हो जाएगा। और अगर पहले से एक्स पावर 5 है तो इसमें एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करें तो एक्स पावर 7 हो जाएगा। और अगर इसमें पहले से एक्स पावर 7 है और इसमें 2x और मल्टीप्लाई करें तो एक्स पावर 9 हो जाएगा। यही हमें एक्चुअली करना है। तो हमने न्यूमरेटर को एक्स से इनिशलाइज कर लिया है और डिनोमिनेटर को 1 से इनिशलाइज कर लिया है। एक साइन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे साइन को हम 1 से इनिशलाइज कर लेते हैं। एवरी टाइम हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि हम इंश्योर कर पाए कि ऑल्टरनेट टर्म्स जो हमारे हैं वो नेगेटिव हैं। हमने एक लूप लगाया, चूंकि हमने पहला टर्म एक्स फ्रीज कर लिया है एस में, एस को एस इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि अब हमें केवल n-1 टर्म्स ही फाइंड करना है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू n-1 एंड आई प्लस प्लस। और इसके बाद सबसे पहले हम साइन को अपडेट करते हैं। साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड विथ -1। देन इसके बाद हम न्यूमरेटर को अपडेट करते हैं। न्यूमरेटर एक्स का पावर है, जो भी करेंटली न्यूमरेटर है उसमें हम एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिनोमिनेटर जिसको फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या है कि अगर डिनोमिनेटर करेंटली डिनोमिनेटर है तो इसमें हम 2 टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। एक 2i, जिससे अगर मान लीजिए कि i की वैल्यू 1 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2i+1, जिससे कि 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हमें फैक्टोरियल 3 फाइंड करना था, इसके लिए हमने 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए कि हम दूसरी बार इसको लूप चला रहे हैं और i की वैल्यू 2 है, तो उस केस में 2 into i से 4 मिलेगा एंड 2i+1 से 5 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 4 और 5 को मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। फाइन, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सीरीज का सम फाइंड करना है। तो सीरीज का सम विल बी इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम प्लस साइन मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड अकॉर्डिंगली आप इसमें प्रिंटिंग कर सम की। लेकिन हमने साइन सीरीज एक्चुअली फाइंड क्यों किया? साइन सीरीज हमने इसलिए फाइंड किया है कि हमें किसी एंगल का साइन वैल्यू मिल सके। तो अगर हमारे पास एक एंगल 45 डिग्री है तो अगर हम इसका साइन फाइंड करें तो हमारा जो आंसर है वो 1/√2 आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम साइन 30 डिग्री फाइंड करें तो हमारा जो आंसर है वो 1/2 आना चाहिए। इसी तरह से
अगर हम sin 90 फाइंड करें तो हमारा जो आंसर है वो 1 या उसके आसपास वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हम इसी तरह से अगर हम sin 60 फाइंड करें तो ये आना चाहिए मेरा √3/2। लेकिन हम ये इंश्योर कैसे करेंगे? इंश्योर करने के लिए ये जो एक्स है वो एक्चुअली एंगल डिग्री में नहीं है, एंगल रेडियन में है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमें एंगल गिवन होगा उस एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो आपको पता होगा कि हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी एंगल हमें गिवन होगा उसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें एक एक्स गिवन होगा और उस एक्स को हम π/180 से मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और इस एक्स को अप्लाई कर देंगे इस सीरीज में। तो आइए इसको हम करके देखते हैं, सब कुछ हम फ्रेश लिखते हैं जिससे कि आपको तो इससे पूरी क्लैरिटी हो। तो सबसे पहले हमें एक एंगल गिवन होगा जो कि फ्लोट होगा और इस एंगल को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। सो π/180 से हमें मल्टीप्लाई करते हैं। π/180 से मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि सबसे पहले π से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 22/7। इंटीजर वैल्यू ना आ जाए लेकिन ठीक है, ये इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि तो एक्स हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। और इसमें हमें फिर से डिवाइड करना है 180 से, तो ये हमारा रेडियन में एंगल आ जाएगा। रेडियन में एंगल आने के बाद हम सीरीज को सम फाइंड करते हैं, एन ले लेते हैं, यूजर से इनपुट करा लेते हैं कि कितने टर्म्स तक उसको एक्यूरेसी फाइंड करनी है। एंड देन इसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको करते हैं। सबसे पहले एक एस ले लेते हैं जिसमें एक्स को इनिशियलाइज कर देते हैं, और इसके बाद न्यूमरेटर एक ले लेते हैं। यहाँ पे हम फ्लोट से ही वर्क करते हैं ताकि हम इससे कोई पंगा ना लें हमारे कैलकुलेशन में। सो फ्लोट न्यूमरेटर एंड देन फ्लोट डिनोमिनेटर। हमें याद होगा कि हमें x-x³ इस तरह से फाइंड करना था। तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो x का पावर होगा और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो फैक्टोरियल वैल्यू होगा। न्यूमरेटर को हम x से इनिशियलाइज कर देते हैं और डिनोमिनेटर को जो कि फैक्टोरियल वैल्यू है उसको 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। एक साइन ले लेते हैं इंटीजर साइन, और साइन की वैल्यू को -0 + 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। और इसके बाद एक लूप चलाते हैं इंटीजर i = 1, i < और इक्वल टू n-1 एंड i++। एंड देन इसके बाद सीरीज का सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले साइन को अपडेट करते हैं। sin = sin·(-1), देन न्यूमरेटर को अपडेट करते हैं। न्यूमरेटर हमारा एक्स का पावर है तो जो करेंटली न्यूमरेटर की वैल्यू है उसमें हम x·(x) कर देते हैं। एंड देन डिनोमिनेटर की वैल्यू को अपडेट करते हैं। डिनोमिनेटर विल बी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड विद 2 × i एंड मल्टीप्लाइड विद 2 × i+1। अभी भी हम लोगों ने देखा था कि दो टर्म्स हमें मल्टीप्लाई करनी है जिससे कि नेक्स्ट ऑड टर्म का फैक्टोरियल पता चले। इतना करने के बाद फिर हम सम को अपडेट करते हैं। sum = sum + numerator sin पहले ले लेते हैं, देन मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर फाइन। इसके बाद फिर हम इस सीरीज को डिलीट करेंगे, सीरीज का सम को सी आउट टेस्ट करते हैं। रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हमने सब कुछ सही किया है कि नहीं। एक एंगल ले लिया है, हमने डिग्री में एंगल लिया और उस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन के बाद फिर नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट करा लेते हैं। अच्छा हाँ, एक्स हमने इनपुट नहीं कराया, इसको एक्स को इनपुट कराएंगे। तो एक्स इनपुट कराएंगे एंड देन नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट कराएंगे। अब भूल ना जाए इसलिए यहाँ पे कह दीजिए कि सी आउट एंटर द एंगल इन डिग्रीज देन एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमारे होंगे एन एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। रन करके देखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या मेरी सीरीज सही आ रही है। ओके तो यहाँ पे क्या गलती हुई है? तो
यहाँ पे आई वर्ब मिसिंग है, एंगल हमसे पूछा गया है डिग्रीज में, लेट से हमने एंगल इनपुट किया है 30 डिग्री, इसका आंसर 1/2 के आसपास आना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स हमने मान लीजिए कि करना है। आप देख तो देख सकते हैं कि 1/2 मतलब 0.5 के आसपास आंसर आया है, इसका मतलब ये सही है। एक और एंगल ले लेते हैं, 90 डिग्री लेके देखते हैं, एंगल हमारा 90 डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स लेट से 5 है, आप देख सकते हैं इसका आंसर 1 आ रहा है, एग्जैक्टली 1 आ रहा है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आई होप आपके समझ में आया होगा कि हम इसको किस तरह इन कंप्यूटेशंस को कैसे कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और ये हमारी जो सीरीज है, इस किसी भी तरह की कोई सीरीज होगी उसको आप बहुत ही आसान तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और सीरीज देखेंगे।